गुड आफ्टरनून, मैं कोच दीपक कुमार, बुद्धा सैनी ट्रेन सेंटर बिहार से नालंदा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे सामने दो लड़कियां खड़ी हैं, कुसुम है और रूपाली है। ये मेरी सबसे छोटी है, छोटा स्टूडेंट है, सबसे छोटा। कितना युवा है? 20 हो गया। लेकिन कोई भी पूछेगा बाबू मैट्रिक कब के, है ना? इन लोगों ने जब सबसे पहले मेरे पास ये आई थी, बहुत रोती थी। इसको लगता था कि करने लगती थी, जैसे बच्चा नहीं रोने लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा सर, हमको नहीं हो पाएगा सर। तो लेकिन जो है इसमें बहुत हिम्मत किया और आपके सामने देखे सबसे छोटा रिजल्ट इनके पास है। रूपाली बताओ जी, कैसा रहा तुम्हारा यहाँ का सफर? कैसा रहा यहाँ का सफर? बहुत ही अच्छा है सर, जो भी बताते हैं उसको बिल्कुल ही अच्छे से कीजिए, ईमानदारी के साथ। रिजल्ट पक्का होगा क्योंकि सर इतना इजली करवाते हैं हम लोग को कि वहाँ जाने के बाद अपने आप डायरेक्टली लगता है कि बहुत ज्यादा इजी है। यहाँ टफ लगता है लेकिन वहाँ इजी हो जाता है। हमें तो ऐसा लगा था कि गोलाम से कभी होगा ही नहीं, लेकिन सर इतना करवाया कि वहाँ जाकर 15 फीट फेंक दिए हम। 15 फीट गोला फेंक ले। सब में भी ठीक ही था सर, बहुत ज्यादा अच्छा करवाया था। टोटल मार्क्स कितना लगे? 88। इन्होंने 88 मार्क्स लाए थे। और कौन सी कैटेगरी आपका? ईबीसी की कैंडिडेट है और इन्होंने 88 नंबर लाए थे। कोई नहीं कहा था कि मेरी छोटी स्टूडेंट जो है पास होगी, और आपके सामने जो रिजल्ट है ये होगा। अब ये है इनकी बड़ी बहन, ये इनकी बड़ी बहन है, कुसुम नाम है इनका, और ये ऑलरेडी बी एस एफ इनका। ये है कुसुम, ये छोटी की बड़ी बहन है, और इन्होंने भी 2 एग्जाम में सफलता हासिल कर ली है। पहला एग्जाम था SSC GD जिसमें इनको BSF मिला था। जब इनका मिला था, इनको ज्वाइनिंग किस टाइम आया था? मार्च में ना, कब गया था? मार्च 8 मार्च को, 8 मार्च को इनको ज्वाइन करने का ऑर्डर आया था। तो ये हमसे पूछ, 1 अप्रैल को था ज्वाइनिंग और आ गया था ज्वाइन होने पहले ही। इनका ज्वाइनिंग का डेट आ चुका था, तो ये पूछिए हमसे कि सर मेरे लिए बेटर क्या रहेगा। तो देखिये, हम कोई भविष्यवाणी नहीं कहते, हम बोले थे अगर EBC हो और 80+ हो तो तुम्हारा मेरिट बनेगा। कितना नंबर था बाबू आपका? 96। इनका 96 था, इसलिए मैंने इनको बोला कि भरोसा रखो अपने आप पे, और हमने ट्रेनिंग दिया, मेरे पे भरोसा रखिए, आपका हर हाल में रिजल्ट होगा। और इन्होंने किया और आपके सामने है कि BSF ज्वाइन नहीं किया आज इनका बिहार पे इसका। आप ये बताइए कि जिस टाइम तुम प्रैक्टिस करी थी SSC GD का, उस समय भी मेरे पास ही आए थे, उसके बाद बिहार पुलिस का। SSC GD की जब तैयारी की थी और बिहार पुलिस में, दोनों में क्या अंतर था? SSC GD का तो सिर्फ ये 1600 मीटर रनिंग था, तो उस मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा कि यहाँ बहुत अच्छा ट्रेनिंग कराया जाता है, इसलिए मैंने फिर से दोबारा रिजल्ट बिहार पुलिस में हुआ तो दोबारा मैं यहाँ आ गई ट्रेनिंग करने के लिए। और ट्रेनिंग इतना अच्छा से कराया जाता ना यहाँ, जैसे कि कुछ भी प्रॉब्लम हो सर तुरंत एकदम इजली वे में सॉल्व कर देते हैं। और यहाँ का ट्रेनिंग जो कुछ भी सर करवाते वो अपना मतलब बेस्ट देते जाए, एक न एक दिन आपको इतना स्ट्रेंथ आ जाएगा, पावर आ जाएगा आपके अंदर कि आप उसको अच्छा से एकदम करके जिस दिन आइएगा। जिस दिन का कहने का मतलब ये है कि जिस दिन आप एग्जाम में जाएंगे तो जो यहाँ का प्रैक्टिस किया हुआ है वो आप इतना इजी लगेगा, ग्राउंड लगेगा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ होता चला जाएगा। जैसे कि रनिंग हुआ तो फिर हाई जंप एकदम इजी वे में हो गया, फिर गोला भी तुरंत इजी वे में हो गया। लगा ही नहीं कि हम यहाँ टेस्ट देने के लिए आए, लगा कि जैसे बुद्धा सैनिक ट्रेनिंग सेंटर में टेस्ट देते थे वैसे वहाँ टेस्ट देके निकल गए। अच्छा, जो बार बार हम लोग यहाँ टेस्ट देते थे, हाँ, उससे आसान था कि हल्का था वहाँ पे? उससे आसान लगा क्योंकि वहाँ जिस तरीके से टेस्ट लिया जाता है उसी तरह से यहाँ हर सप्ताह में एक दिन संडे को टेस्ट लिया जाता था। सब कुछ उसी तरह से करके ग्राउंड सजा करके, फिर गोला का मतलब कैप्चर बना करके, फिर हाई जंप का गद्दा वगैरह सब कुछ उसी तरीके से। इनका कहने का मतलब है जो एग्जाम इनका होता है, हम लोग का प्रयास होता है कि उसी प्रकार से प्रैक्टिस दिया जाए ताकि जिस दिन आप मैदान में उतरे आपको नयापन ना लगे कि तुम डेली करते थे, आज भी वही करना है। तो उससे घबराहट नहीं रहेगी और अपना बेस्ट दीजिएगा। अब छोटी, तुम ये बताओ, तुम तो अभी सबसे छोटी उम्र की लड़की मेरे पास, आप हुई और अस्मिता, दो लड़कियां, तुम पहली बार आई, पहला एग्जाम था? यस। पहली बार में एग्जाम पास कर गए, पहली बार में ज्वाइनिंग कर गए। अब ये बताओ कि तुम्हारा क्या मतलब कहना है जो आगामी नए लड़के लड़कियां जो अपने आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या उन टीचर्स के चक्कर में पड़े हुए जो लड़के हैं जो सिखा रहे हैं, तो रिजल्ट तो भी देंगे 2-4, बट अगर आपका फेल हो जाते हैं तो आपका 1 साल मेहनत पूरा बर्बाद चला जाएगा। हम तो कहेंगे कि सबसे पहले बुद्धा ही ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि जितना कमजोर हम थे
हमें नहीं लगा था कि हम पास हो पाएंगे, लेकिन इतने अच्छे मार्क्स से पास हुए, बिलीव नहीं कर सकते कि आप अगर हमको ट्रेनिंग लेने से पहले देखते तो विश्वास करते कि ये फेल ही होकर आएगी। नहीं, तुम्हारी एक बड़ी बहन है और मतलब तुम्हारी ऐसी थी फिगर में जो एसआई में अपने हाइट में फेल हुई, नैन नैन का वीडियो आप देखिएगा, उससे भी ऐसी एक उंगली पतली गोला उठाती थी, थोड़ी देर में गिरा देती थी, बोलती थी सर हमसे नहीं, वो छोड़ दीजिए। तो क्या कहना चाहोगे, वेलकम है इन लोगों का जो नए वाले हैं? हम तो बोलेंगे कि किसी को भी ज्वाइन करना है तो सबसे पहले बेस्ट चॉइस रहेगा आपका कि बिहार पुलिस के लिए या किसी भी चीज के लिए, डिफेंस लाइन के लिए, तो आप बुद्धा ही ज्वाइन करें, कहीं और से ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ सारा कुछ लेवल में सिखाया जाता है, बिल्कुल इजिली सिखाया जाता है, ये नहीं कि स्टार्टिंग में ही बहुत ही ज्यादा हार्ड करवा दिया जाता है जिसकी वजह से आपको फिजिकली बहुत ही खराब हो जाए, ऐसा कुछ नहीं, बहुत ज्यादा इंजुरी है। आदमी क्या होता है ना, कॉपी करने के चक्कर में हाथ पैर में बहुत दर्द कर देता है स्टूडेंट का, स्टार्टिंग में जो होना चाहिए वैसे ही सर सिखाते हैं, जो लेवल का जो बच्चा होता है उस लेवल से ही सिखाते हैं सर। कोरोना टाइम में भी ये कोरोना का ये कहते सैनिटाइजर छिड़काव यहाँ किया जाता था, ऐसा तो कोई मतलब की संस्था में नहीं होता होगा, कोई संस्था में ऐसा नहीं होता होगा, कोरोना का कोई केस भी नहीं है अपने पास, और हम लोगों ने प्रिकॉशंस पूरा रखा था, मास्क बांटे थे और क्या कहते हैं हमेशा सैनिटाइजर छिड़काया जाता था, सैनिटाइजर था, टेम्परेचर नापते थे लोगों का, ताकि भाई मेरा एक भी लड़का या लड़की अपना भविष्य पीछे न रखे, उनका भविष्य खराब न। तो इसलिए अब मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, आप लोगों को नई जिंदगी मुबारक हो और बढ़िया से अपने रास्ते पे चलिए, मन लगा ट्रेनिंग करना, अब जो ट्रेनिंग करोगे बिहार पुलिस का वो इससे काफी ईजी रहेगा, आप लोगों ने जितना पसीना बहाया है वहाँ उतना आसान रहेगा, ये बात तुम खुद बोलोगे सर जितना आप दौड़ाते थे सब भी इजी है ना, तो टेस्ट में ही हमको पता चला। तो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, और आप लोग जो मेरे छोटे भाई बहन अभी भी तैयारी करना चाह रहे हैं, खासकर होमगार्ड के लिए, ड्राइवर के लिए, प्लस बिहार पुलिस की परीक्षा हुई उसके लिए, आर्मी के रिटेल और फिजिकल के लिए, दोनों के लिए, स्पेशली मैं आर्मी वाले लड़कों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कृपया आप गलत लोगों के चक्कर में मत पड़िए, आप लोग अपना फिजिकल निकालते हैं और गलत लोगों के चक्कर में पड़ करके आप अपना भविष्य बर्बाद कर देते हैं एक साल, जैसा कि अभी आप लोगों ने बिहार पुलिस में रिजल्ट देख लिया, बिहार पुलिस में वही लड़कों या लड़कियों का रिजल्ट हुआ है जिन्होंने हार्ड वर्क किया, जिनको ये था कि हमको अंदर से पैरवी हो जाएगा, मेरा नंबर बढ़ जाएगा, किसी भी आदमी का रिजल्ट नहीं हुआ, और ये बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो गरीब है और मेहनत करते हैं। अरे मुद्दा गरीबों के लिए है कि नहीं? अच्छा ये बताइए, आप लोग जो आप तीन बार मेरे पास ट्रेनिंग करे थे, एक ही फीस में तीनों वर्ग हम कराए कि नहीं कराए? कराए? कोई संस्था जल्दी रिस्क लेता है सर? नो सर। हाँ, तो इसलिए सर और मैं बिल्कुल मम्मी पापा की तरह, मतलब जैसे हम लोग के मम्मी पापा जैसे करते हैं ना, उसी तरह से बिल्कुल यहाँ देखभाल किया जाता था, जैसे कुछ भी जरूरत होता है तो मम्मी पापा जैसे समझ जाते हैं, वैसे ही सर भी समझ जाते थे और मैम भी। चलिए तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अगर इच्छा होती है कभी कि हमको एक बार भी नौकरी करना है, बार बार फेल नहीं होना है, तो बुद्धा में आपका स्वागत है। जय हिंद, थैंक यू।